राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ कोर्ट परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कोर्ट में लगे प्रकरण सभी बैंक, नगर पालिका के जलकर और संपत्ति का, साथ ही विद्युत मंडल के स्टॉल लगाकर उपभोक्ताओं से वसूली की जा रही थी, जिसमें भी डिफॉल्ट है उन लोगों को ब्याज में 40% छूट दी गई। यदि कोई किश्तों में जमा करता है तो उसको ब्याज में छूट नहीं दी गई, उनको किश्तों में जमा कर सकते हैं। देखने में आया है कि कई काउंटर पर किसी भी कंज्यूमर ने कोई राशि आकर जमा नहीं की, जिसे बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक, कुछ कंज्यूमर पर कोरोना के प्रभाव का भी असर रहा, इस कारण नहीं आ पाए किसान। सोयाबीन की फसल प्रभावित होने के कारण वे लोग भी कम ही नजर आ पाए। ऐसे में सरकार को जो लोग नहीं आ पाए हैं उनको कुछ राहत दी जाए। राशि जमा कराई और 3,000 हमारे लिटिगेशन में जमा हुए हैं, जिसमें उपभोक्ताओं के द्वारा 5,000 की राशि जमा की गई है, बाकी कुछ दिनों का टाइम दिया जाएगा जमा। सर कुछ कंज्यूमर ऐसे हैं जिनके पास मतलब एक मुश्त राशि नहीं जमा कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए अपन पार्ट पेमेंट, अच्छा डिस्काउंट नहीं मिल रहा उनको, तो ऐसे भी केस आए होंगे ना आपके पास? अभी नहीं आए हैं, पैसा जमा कराया है, अच्छा। तो इसमें अपन कुछ रियायत दे रहे हैं क्या कंज्यूमर को? इसमें 40% छूट दे रहे हैं उसको। अच्छा, लिटिगेशन कर रहे हैं और लिटिगेशन में 25%, तो राशि भी क्या एक मुश्त ले रहा है क्या? हाँ, एक मुश्त राशि पर। और जैसे कोई कंज्यूमर आदि करता है तो उसे अपन इसमें कुछ डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट नहीं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन